हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट हैरी आ गया हूं आपके साथ शेयर करने वही मेथड जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपनी सेंट्रल लॉकिंग के साथ अपनी हुड को कैसे अटैच कर सकते हैं और बैटरी चोरों से आप कैसे बच सकते हो। और आइए देखते हैं हम कि आपने कैसे ये काम करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस स्विच की। ये स्विच दो तरह के आते हैं, एक तो आएगा ये प्लास्टिक का स्विच और एक आएगा स्टील का स्विच जो कि मैंने यूज़ किया है। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप स्टील का स्विच ही यूज़ करें क्योंकि ये प्लास्टिक का जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। मैकेनिज़्म दोनों ही स्विचेस का सेम है। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये पूरी की पूरी वायरिंग है सेंटर लॉकिंग की। यहाँ पर एक ऐसी वायर भी होगी जो आपके बोनट के साथ अटैच हो जाएगी और ये वायर है वो। ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप खुद से ये काम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन से ये काम करवा लें। ये वायर इस स्विच के नीचे अटैच हो जाएगी और ये स्क्रू के साथ टाइट हो जाएगा और ये स्विच कुछ इस तरह से काम करेगा। इस स्विच की कॉस्ट 30 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ तक जाती है, लेकिन अगर आप ये काम किसी इलेक्ट्रिशियन से भी करवाते हो तो इसकी कॉस्ट 100 से 150 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी और इस तरह से आपकी कार की बैटरी पूरी तरह सेफ हो जाएगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये मेरे ख्याल से तो आपको मेथड अच्छा लगा होगा, तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस और देखें और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स मिलते रहें तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज बड़े इजिली सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।